नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज़ पर। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार यहां पर दुहाई दी जा रही है जैसे ही सदस्यता रद्द होती है राहुल गांधी की, कि लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, ऐसे नोटिस नहीं देने चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया वो किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं था, वो तो ऐसे ही जस्ट बोला गया राहुल गांधी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं सफाई पेश करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है, और ये स्टेटमेंट जो है ये है सुधीर चौधरी के खिलाफ। जी हाँ, आज तक में इस समय कंसल्टिंग एडिटर आज तक के सुधीर चौधरी, जो कि पहले जी न्यूज़ में काम करते थे, DNA संभालते थे, DNA के नाम से प्रसिद्ध हैं DNA शो के लिए, उनके लिए यहाँ पर जो श्रीनिवास बीवी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के IYC के, वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट्स में एक जो है लेटर डाला जाता है, और उसमें कहा जाता है कि सुधीर चौधरी जी ये ब्लैक एंड वाइट के लिए जो है वो लीगल नोटिस जो है वो दिया गया है, हाईली ऑफेंसिव और डिफेमेटरी जो है न्यूज़ वीडियो जो कि वायलेट करती है सभी जर्नलिज्म के एथिक्स को और नॉर्म्स को, तो इसको लेकर के जो है एक लीगल नोटिस अब जो है वो दिया गया है सुधीर चौधरी को। और ये पहली बार नहीं है जब सुधीर चौधरी को इस तरह का कोई नोटिस प्राप्त हुआ हो, इससे पहले भी जो है इसी तरह के जो है नोटिस यहाँ पर दिए गए हैं, और कहा गया है यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस लीगल सेल की तरफ से कि कोर्ट में देखते हैं सुधीर चौधरी को, जिसके बाद सुधीर चौधरी का भी इसमें रिप्लाई जो है सामने आ गया, जिसमें सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि मैं सच्चाई बोलता हूँ, देश की खातिर बोलता हूँ और आखिरी दम तक सच के रास्ते पर ही बोलूँगा, मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तो दरअसल अगर बात की जाए तो जहाँ एक तरफ कांग्रेस पार्टी वही बातें दोहरा रही है कि हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह से आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तानाशाही जो है वो शुरू हो चुकी है, वही सेम चीज़ एक तराजू पर जो है कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें कर रही है, और दूसरे पर खुद जो है वो सुधीर चौधरी को इस तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सुधीर चौधरी को नोटिस देना है, ब्लैक एंड वाइट जो शो वो चलाते हैं उसके नॉर्म्स अगर लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि वायलेट हुए हैं, एथिक्स जो है वायलेट हुए हैं, तो फिर कैसे जो है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के उन स्टेटमेंट्स को लगातार जस्टिफाई करने का प्रयास कर रही है, जो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समुदाय के खिलाफ देखने को मिलती हैं। हाल ही में जो एक केस चल रहा है पूरा, जो सदस्यता रद्द हुई, 2 साल की सज़ा का ऐलान हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पूरी कास्ट को कहा गया था राहुल गांधी की तरफ से, और सबसे बड़ी बात कि सज़ा मिलने के बावजूद यहाँ पर बाद में जब पत्रकार वार्ता की जाती है राहुल गांधी की तरफ से, तो भी कुछ ना कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है सामने आती हैं। जब पत्रकार वार्ता में जो सवाल पूछे जाते हैं कि क्या अब आप माफ़ी मांगेंगे, लगातार भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगने की बात कर रही, क्योंकि एक मानहानि का केस था, याद रखिएगा इस चीज़ को, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जो है राहुल गांधी को ये सज़ा सुनाई गई। इसमें बेशक अगर बात की तो केंद्र सरकार पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये वही न्यायिक प्रक्रिया है जिसने कुछ दिन पहले इसी कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनके जो बाकी सब जगह पर केस थे उन सब केस को जो है उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया था, उनको कहीं ना कहीं राहत देने का काम किया था, जमानत जो है वो पवन खेड़ा को हाथों हाथ मिल गई थी, लेकिन वही न्यायिक प्रक्रिया से जब गुजरते हुए राहुल गांधी को जो है सज़ा सुनाई जाती है 2 साल की, तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं न्यायिक प्रक्रिया पर, और उसको सीधे तौर पर जोड़ दिया जाता है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये सब चल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए इससे पहले भी कई सारे सांसदों की जो सदस्यता है वो गई है, सुब्रमण्यम स्वामी उनकी भी सदस्यता जा चुकी है 1976 में, तो ये पहली बार नहीं है जब किसी सांसद की सदस्यता गई हो, और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के लगातार इस तरह के विवादों में जो है वो घिरे हुए दिखाई दे रहे हों। जब भी वो बयानबाजी करते हैं उससे कहीं ना कहीं इसी तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। बहरहाल ये जो कोर्ट में बुलाया गया, जो पत्र दिया गया है, इसमें सुधीर चौधरी के साथ साथ आज तक को भी ये पत्र दिया गया है, और इसमें लिखा गया है कि फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ जो है गलत वीडियो कैंपेनिंग जो है की जा रही है, और इसमें लिखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी में से एक है, और इसने ये सबमिट किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फोर फ्रंट पर है और देश के मुद्दों पर लड़ने के लिए, कॉमन सिटीजन्स के मुद्दों को जो है लड़ने के लिए हमेशा आगे रहती है, और हमारे जो क्लाइंट हैं वो वेल नोन प्रोमिनेंट फेस हैं भारतीय राजनीति के, और पोजीशन जो है वो
नेशनल प्रेसिडेंट की होल्ड करते हैं। वहीं फिर राहुल गांधी के लिए लिखा गया है कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय राजनीति के एक प्रोमिनेंट फेस हैं और मेंबर भी हैं इंडियन पार्लियामेंट के। हालांकि अगर बात की जाए तो अब उनकी सदस्यता जो है वो जा चुकी है, और हो सकता है जब ये लेटर लिखा गया हो ये पहले लिखा गया हो, क्योंकि अब खुद जो है राहुल गांधी ने अपने नाम के आगे जो है डिस्क्वालीफाई लगा दिया है, डिस्क्वालीफाइड एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आगे उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे राहुल गांधी 16 दिसंबर से 2019 तक 3 जुलाई तक, और राहुल गांधी जो है वो अमेठी को, वायनाड को जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें डाली गई हैं, और इसमें लिखा गया है कि 25 मार्च 2023 को जो है एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया जाता है, वो ट्वीट जो है वो गलत दिखा रहा है राहुल गांधी के बारे में, गलत जो है वो प्रचार किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार पिछले एक लंबे समय से बार बार जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, राहुल गांधी के बोलने का ये मतलब नहीं था, वो किसी और सेंस में बोल रहे थे, तो फिर हमेशा ये सवाल राहुल गांधी पर ही क्यों उठ रहे हैं। जब ब्रिटेन वो जाते हैं राहुल गांधी, तो वहाँ पर जा कर के कहते हैं कि मैंने आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने मुझे देखा, लेकिन किया कुछ नहीं, उन्होंने बस मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। तो आखिरकार ये कहने का मतलब क्या था, कि क्या आपकी कोई सांठगांठ है उनके साथ, सवाल तो यही खड़ा होता है, या फिर आपने जब उनको देखा तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप सुरक्षा बलों को आगाह करें कि मैंने आतंकवादियों को देखा है। आतंकवादियों को प्यार के नज़रिए से कौन देखता है, उनको तो सीधे वहीं पर जो है नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, या फिर उनको हिरासत में लेकर के जो है सरेंडर करवा करके उनसे और इन्फॉर्मेशन निकालनी जानी चाहिए थी। बहरहाल लगातार खुद इस तरह की स्टेटमेंट्स राहुल गांधी की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन जब मीडिया चैनल पर राहुल गांधी की वही खबरें चलाई जाती हैं, वही जो वो बोल रहे हैं वो चलाई जाती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अलग नज़रिए से कांग्रेस पार्टी देख रही है, और अब उसमें कह रही है कि हम तो लीगल एक्शन लेंगे। और वही जब राहुल गांधी पर लीगल एक्शन होता है तो उसमें लोकतंत्र की दुहाई की बातें सामने आती हैं, तानाशाह की बातें सामने आती हैं, और खुद जब कांग्रेस पार्टी सुधीर चौधरी के खिलाफ यही लीगल एक्शन ले रही है तो वो लोकतंत्र की सच्ची जीत उसको बताया जाता है। लेकिन राहुल गांधी पर जब सज़ा सुनाई जाती है 2 साल की, और ये सिर्फ सूरत कोर्ट की तरफ से अभी सुनाई गई है, क्योंकि अगर बात करें तो बिहार में भी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ जो है केस चल रहा है इसी मामले को लेकर के, जो कहा गया था मोदी कॉस्ट को लेकर के 2019 में कि सभी मोदी जो हैं वो चोर हैं, ये कहा गया था, ये स्टेटमेंट था। अब कांग्रेस पार्टी उसको चाहे जितना मर्जी डिफेंड करने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से सभी को एक तराजू में जो तोलने का काम, पूरी कॉस्ट को एक तराजू में तोलने का काम किया है, उस नाते जो है ये डिसीज़न सूरत कोर्ट की तरफ से आया है। और इसमें अगर बात की जाए जो लगातार देश को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें कोई केस किया है, ना ही गृहमंत्री अमित शाह ने कोई केस किया है, बल्कि गुजरात के एक विधायक ने इसमें केस किया, क्योंकि वो खुद इसी कॉस्ट से आते हैं, सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के हालांकि एक बड़ा चेहरा है बिहार से, उन्होंने इसमें बिहार में केस किया कि कैसे जो है मेरी जाति को, मेरी जाति का नाम खराब करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा इस मामले में। सुधीर चौधरी का भी रिप्लाई सामने आ गया, जो इंडियन यूथ कांग्रेस ने उनको चुनौती दी है कि अब आइए आपको लीगल नोटिस देते हैं और कोर्ट में मिलते हैं, तो सुधीर चौधरी ने भी लिख दिया कि मैं जो है सच दिखाता रहूँगा और मैं जो है लड़ाई लड़ता रहूँगा। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इसी तरह की चीज़ कह रहे थे, लेकिन आज खुद वही कांग्रेस पार्टी सुधीर चौधरी के साथ कर रही है जो राहुल गांधी के साथ हुआ है। तो या तो दोनों को एक तराजू में तोल करके देखें, दोनों को सही माने, या फिर ये दोहरे मापदंड की राजनीति आने वाले समय में ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगी। बहरहाल अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है, कोर्ट में इसमें क्या चीज़ें जो है सामने आती हैं। लीगल नोटिस की बात कर दी गई है IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की तरफ से, अब इसमें क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में पता लगेगा। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, SDV न्यूज़, प्रयागराज।